हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत से लोगों को नी पेन की दिक्कत होती है, खासकर वो लोग जो ओवरवेटेड है। उनकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट नीज पर ज़्यादा स्ट्रेस डालता है, जिससे क्रोनिक पेन डेवलप हो जाता है जो महीनों या सालों साल तक रहता है। अच्छी बात यह है कि एक्सरसाइज हेल्प करती है हमारी बॉडी से वेट लॉस करने में और मसल्स को ग्रो करने में, जिससे हमारी नीज हेल्दी रह सकती है। अब आप ये सोचेंगे कि एक्सरसाइज से और दिक्कत तो नहीं बढ़ जाएगी? एक्चुअली रेगुलर एक्सरसाइज से दिक्कत और बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपकी नीज में स्वेलिंग तक आ जाए, लेकिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज भी होती हैं जो लो इम्पैक्ट डालती हैं और वो हमारी नीज के आसपास के एरिया की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, और जिससे हमारी नीज पर पड़ने वाला एक्स्ट्रा स्ट्रेस कम होगा और हमारी नीज को रिलीफ मिलेगा। चाहे आप बिगिनर हो या फिर एडवांस, आपका मन बिल्कुल नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का जब आपकी नीज में पेन हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हार्ड एक्सरसाइज ही आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ आसान और लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज आपकी नीज के लिए बेस्ट है, और आज मैं ऐसी ही 7 एक्सरसाइजेज आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी नीज पर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करेगी और आपकी नीज की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है चेयर सिट अप एंड डाउन। इसके लिए हमें एक जरूरत पड़ेगी आर्मलेस चेयर की। हमें अपने पैरों को ग्राउंड से फ्लैट रखना है, स्लोली नीचे आना है एंड फिर पूरा ऊपर जाना है। 2 सेकेंड का होल्ड के बाद फिर स्लोली नीचे आना है और फिर ऊपर आना है। इस एक्सरसाइज को हमें 1 मिनट तक परफॉर्म करना है। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है काफ रेजेस। इसमें हम चेयर को ऐसे होल्ड करेंगे और अपनी हील से अपने पैर को पुश करेंगे ऊपर की ओर जितना जा सकते हैं और स्लोली नीचे आएंगे 2 सेकेंड होल्ड के बाद। हमारी तीसरी एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इसमें हम एक पैर को ग्राउंड पे रखेंगे, एक पैर को अपने फॉरवर्ड लीन करेंगे और बॉडी को एज ऑफ द चेयर पे रखेंगे और स्लोली अपने बॉडी को फॉरवर्ड लीन करेंगे। Do it 3 times for each leg. हमारी चौथी एक्सरसाइज है calf stretch। इसमें हम चेयर को ऊपर से पकड़ेंगे, एक पैर को बॉडी से पीछे रखेंगे, एक पैर को फ्रंट में। हमारा पीछे वाला पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए और बॉडी को हमें आगे को फ्रंट की ओर पुश करना है। हमारी पांचवी एक्सरसाइज है स्ट्रेट लेग रेजेस। इसमें हमें अपने एक पैर को 90 डिग्री पे होल्ड करना है और दूसरे पैर को स्ट्रेटली ऊपर ले जाना है, होल्ड करना 2 सेकेंड का और फिर नीचे लाना है। Do 3 sets of 8 to 10 repetitions for each leg. हमारी 6th exercise है hamstring curls। इसमें हमें body को जमीन से की ओर लेटना है और अपने hamstrings को feel करते हुए 2 सेकेंड का hold down। Repeat for a minute. हमारी 7th एक्सरसाइज है नी रोल्स। इसमें हमें आर्म्स को अपनी साइड में रेस्ट कराना है और दोनों लेग्स को टुगेदर मैच कराते हुए होल्ड फॉर 5 सेकेंड ऑन अदर साइड।
ध्यान रखें कि आपका स्ट्रेच थाइज और बैक पे ही आए और दोनों नीज आपकी टुगेदर जाए। माइल्ड डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग दिस एक्सरसाइज इज ओके। और अगर आप जिम जाते हैं तो आपको ये तीन एक्सरसाइजेस अवॉइड करनी है, लाइक स्क्वाट, लंजेस एंड रनिंग।